हेलो फ्रेंड्स, इस डिजिटल दुनिया में हर कोई मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, तो आज हम इस मोबाइल नेटवर्क के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप पूरा वॉच करें। मैं रवि स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मोबाइल नेटवर्क क्या है। मोबाइल नेटवर्क एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जो कि एक मोबाइल डिवाइस को दूसरे और इंटरनेट से कनेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ये वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज और डाटा ट्रांसमिशन जैसे डिफरेंट सर्विस को एनेबल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर में नेटवर्क बार देखा होगा, जहाँ पर नेटवर्क बार के साथ कुछ सिंबल देखने को मिलता है, जैसे 2G, GE, 3G, 4G LTE, 4G VoLTE, H+ और 5G। सो आज हम वही सिंबल के बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में 2G नेटवर्क दिखा रहा है, इसका मतलब आप सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को यूज में ले रहे हो, जो कि GSM के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो फिर चलिए इसका वर्किंग प्रोसेस जान लेते हैं। डिजिटल वॉइस सर्विसेज और बेसिक डाटा सर्विसेज जैसे SMS, MMS, यही सब सर्विसेज आप लोग सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इसका स्पीड लिमिट क्या है? तो इसका मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड आप लोग को 50 KBPS तक देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम अपलोड स्पीड आप लोग को 20 KBPS तक देखने को मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपका कवरेज एरिया के ऊपर। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क बार के ऊपर ई का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये ई सिंबल EDGE के लिए स्टैंड होता है, जिसका फुल फॉर्म एनहेंस डाटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन। इसको एनहांस GPRS भी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G के बीच का है, इसे 2.5G भी कहा जाता है। तो फिर चलिए इसका वर्किंग प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। ये नेटवर्क GPRS से बेटर है, बट उतना स्पीड नहीं है। स्पीड के मामले में बात करते हैं तो अच्छा कंडीशन में आप लोग को ये 384 KBPS तक की स्पीड दे सकती है, और अगर इसका एवरेज स्पीड देखा जाए तो 130 से 200 KBPS तक आपको मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अब बात आता है मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जी का सिंबल का मतलब क्या होता है। तो फिर चलिए मैं इसे भी आप लोग को बता देता हूँ। जी का मतलब होता है GPRS, जिसका फुल मीनिंग है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेस। ये एक सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है। GPRS एक स्लो मोबाइल टेक्नोलॉजी है आज के दिन पर। इसका स्पीड 56 KBPS से 114 KBPS तक देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये दिखती कब है। अगर आप किसी एरिया में हो जो कि 2G, 3G, 4G और 5G से कनेक्टेड है, तो ये जी आपके मोबाइल नेटवर्क में शो करता है। नेटवर्क बार में अगर 3G सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब आप थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को यूज में ले रहे हो। आजकल इसका यूज कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी का ज़माना 4G और 5G है। तो चलिए बात कर लेते हैं 3G के बारे में। 3G स्टैंड करता है UMTS, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, जिसका स्पीड आप लोग को 385 KBPS से 42 MBPS तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके डाउनलोड स्पीड की बात करें तो 1 MB से लेकर आप लोग को 20 MBPS तक देखने मिलता है, और अपलोड स्पीड आप लोग को 300 KBPS से 3 MB तक देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी 4G सिम यूज कर रहे हो या फिर 4G डिवाइस से कनेक्टेड हो, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 4G को LTE कहा जाता है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, जो कि हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क होता है। 4G नेटवर्क से आप लोग HD वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, डेटा आप लोग जो है डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो, वेब एक्सेस कर सकते हो बिना कुछ नेटवर्क इशू के। अगर 4G की स्पीड के बारे में बात करें, तो इसका डाउनलोड स्पीड आप लोग को 300 MBPS तक देखने को मिल जाता है, और अपलोड स्पीड आप लोग को 75 MBPS तक देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, तो डाउनलोड स्पीड में आप लोग को 15 से 20 MBPS तक देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी के ज़माने 65% से ज़्यादा लोग जो हैं 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं
नेटवर्क बार के ऊपर 5G का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है लेटेस्ट 5th जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क यूज में ले रहे हो। तो अगर हम लोग इसके स्पीड के बारे में बात करें तो 10 से 20 Gbps तक आप लोग को स्पीड देखने को मिलेगा। आपको 20 Gbps तक आप लोग का जो है डाउनलोड स्पीड और 10 Gbps तक आप लोग का जो है अपलोड स्पीड देखने को मिलता है। नेटवर्क बार के ऊपर एच का मतलब होता है हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस। ये एक 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी है। HSPA 3G से डाटा ट्रांसफर मामले में इससे थोड़ा बेहतर है। अगर हम लोग इसके स्पीड के बारे में बात करें तो अप टू 14 Mbps तक आप लोग को जो है डाउनलोड स्पीड मिल जाता है। उसके साथ अप टू 5 Mbps तक आप लोग को जो है अपलोड स्पीड मिल जाता है। तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क बार के ऊपर आप लोग का जो है एच प्लस क्यों देखने को मिल जाता है। नेटवर्क बार के ऊपर एच प्लस का मतलब है एनवॉल्व हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस। ये HSPA से बेटर रिजल्ट देता है। इसका मतलब कि आप 4G और LTE से कनेक्टेड नहीं हो सकते बट 3G HSPA से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके स्पीड के बारे में हम लोग बात करें तो आप टू 168 Mbps तक आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डिटेल्स जो कि मैंने आप लोगों का जो आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ आप लोगों को मैंने जो है समझा दिया है। अगर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को किसी भी चीज़ का जो है डाउट है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।